या व्हाट्स अप गाइस, दिस इज एके एंड जस्ट बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। अरे छोड़ो यार, दूसरों का इंट्रो देने से ऐसा ही होता है। चलो अपना इंट्रो मारते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चमत्कारी लोगों के जिनका चमत्कार देख करके तुम्हारी आंखों की किडनियां खराब हो सकती हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या और कोई भी वुड हो। भाई साहब, सारे चमत्कारी लोग यही पैदा हो लिए हैं। इन्हें देखने से तुम्हारे पैर की कन्नी उंगली भी इन्हें गाली देगी। चल बाजड़ी के। हाँ तो भाई साहब, हम बात कर रहे हैं चमत्कार की। अब तक तो मेडिकल साइंस वाले भी इतनी तरक्की नहीं किए हैं जितनी ये बॉलीवुड और टॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री वाले कर चुके हैं। यूं समझो कि आदमी एकदम खत्म भी हो गया होगा ना, तो ये उन्हें भी जिंदा कर लाते हैं। जैसे ये सीन देख लो, मस्त शादी ब्याह का माहौल चल रहा है और विवेक ओबराय के पापा अच्छा खासा नाश्ते गाते मिथुन दा के पास जाते हैं। अरे आज मेरे यार की शादी है। और कमरे में घुसते ही क्या देखते हैं कि मिथुन दा उलट पड़े हैं। मतलब भाई साहब, मामला पूरा खत्म है। अगर तुम नॉर्मल लाइफ में इसको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तो वो एक ही बात बोलेगा, ए भाई साहब माफ करना, हम इसको बचा नहीं पाए। अगर आप थोड़ी देर और पहले आए होते ना तो बचा लेते शायद। लेकिन ये बॉलीवुड है और भाई साहब हमारे मिथुन दा तो डॉक्टर के दोस्त भी हैं, तो बचाना तो फर्ज बनता है यार। बट इस बार ये कुछ नया लेकर आए हैं। सर अमर वापस आ सकता है। सर अमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डीप फ्रीज में रख दीजिए सर, और फिर किसी ऐसे मरीज को लगा दीजिए जिसको दिमाग की जरूरत हो। What an idea, sir जी। और इधर एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है जिसका दिमाग डैमेज हो जाता है, तो ये मिथुन दा का हार्ड डिस्क लड़की का हार्ड डिस्क से चेंज कर देते हैं। आशा का डैमेज ब्रेन निकाल कर उसकी जगह अमर का ब्रेन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ब्रिलियंट आइडिया सर, ब्रिलियंट। What an idea, sir जी। और ये क्या है? अबे ये दिमाग है कि रहता यार, अनर्थ हो जाएगा बहुत सारी वाला, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती। मतलब भाई तुम खुद ही सोचो कि लड़की सबसे पहले उठेगी तो क्या बोलेगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्योंकि मेमोरीज तो सारी मिथुन दा वाली भरी होगी ना। भाई साहब टिकटॉक वाले तो यूं ही बदनाम हो गए। क्या हो रहा है? ये कोई चमत्कार से कम थोड़ी है। वैसे ऐसे चमत्कार तो मिथुन दा की मूवी में आम बात है। अब जैसे कि ये सीन, इस सीन में मिथुन दा को सांप काट लेता है और वो लिटरली निपट लेते हैं। उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, बट एक ही डॉक्टर है जो उन्हें बचा सकता है, वो है ये। अब तो बस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ही इन्हें मौत के शिकंजे से बचा सकता है। अब तो बस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ही इन्हें मौत के शिकंजे से बचा सकता है। क्या हो रहा है? नहीं यार, तुम मेरे को एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा सांप है जो एक बार काटने के बाद से फिर से जहर चूसने आता है यार। बताओ साला, जहर चूसवा रहे हैं। अबे बर्फ थोड़ी है। बॉलीवुड हो गया, चलो साउथ वालों की तरफ चलते हैं। भाई साहब असली असला तो यही देखने को मिलता है, और यार इन्हें देखने के बाद से ना तुम्हारे फेफड़ों को बवासीर हो जाएगी। इसमें पहला सीन है हार्ट ट्रांसप्लांट का। भाई अपना गुंडों से लड़ता हुआ हॉस्पिटल में अपनी बंदी को हार्ट देने जा रहा है जो कि हॉस्पिटल में खुली पड़ी है। वैसे इस महान भाई को तो तुम पहचान ही गए होगे। अबे ये वही है जो केलों से बंदे मार देता है। हाँ तो भाई साहब, कहानी कुछ यूं है कि हॉस्पिटल में इनकी बंदी खुली पड़ी है और डॉक्टर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अपना संपू भाई थर्माकोल का दिल लेकर आएगा और उसमें फिट करेगा। अबे बड़ी मेहनत से बनाया है यार ये दिल, देख रहे हो भाई। मैं तो कहता हूँ भगवान के पास से इसी का नंबर आएगा। मतलब स्प्रे पेंट और थर्माकोल की मदद से दिल बना दिया, वो भी इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा। खैर बंदा थर्माकोल का दिल ऐसे ही खुले लेकर जा रहा है और रास्ते में हो गई बंदे की फाइट। अब भाई बंदे को तो दिल पहुंचाना है क्योंकि उसकी बंदी हॉस्पिटल में खुली पड़ी है और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ये अपने संपू भाई हैं, ये अंतरिक्ष में अगर चंद्रमा पर हो ना तो भी दिल पहुंचा दे। ये तो फिर भी धरती है। भाई को लिटरली फरसा मारा है पीछे, और फरसा मारने के बाद से तो जानते ही हो क्या होता है। मर गया मादर। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने संपू भाई ने दिल को पहुंचा दिया है।
भूल जाओ हॉस्पिटल और भाई के बीच की दूरी क्या थी, भूल जाओ ऑपरेशन किस फ्लोर पे हो रहा है, भूल जाओ बंदी किस डायरेक्शन में पड़ी है, भूल जाओ भूल जाओ। अरे अपना संपू भाई ने दिल फेंका है ना, तो बस लग गया। और मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि जो ये टूट करके कांच के टुकड़े जा रहे थे वो भी घुस घुसा लिए या फिर उसका मैटर ही खत्म हो गया। छोड़ो यार हमसे क्या करना है। और मुझे एक बात और बताओ कि ये दिल में LED लाइट भी होती है क्या जो जगमग जगमग कर रहा है? यार बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना। रुक जाता ही, आगे भी मौका मिलेगा तुमको, पहले थोड़ा और देख ले। हाँ तो भाई साहब दिल लगने के बाद से आगे आया सिलाई का टाइम। और भैंस की आग सिलाई देखना जरा। अबे बॉडी सिल रहा है कि अनाज की बोरी सिल रहा है बे? दांतों से काट रहा है सुअर। ये बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना। अरे रुक जाता ही, बस दो मिनट रुक जा। हाँ तो भैया आगे चलते हैं क्योंकि संपू भैया ने तो पिछवाड़े पे फरसा खाया है तो वो तो मरमुरा लिए और उनकी मस्त चिता जल रही है। बट चिता तो नॉर्मल आदमियों को जलती है और फिर भी ये तो अपना संपू भाई है और इसके दिल में इतनी दया थी कि ये किसी भी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। फिर भी ये तो इसके खुद की बंदी है भाई। मुझे ये नहीं पता कि बंदी किस फ्रीक्वेंसी से चीखी है कि अपना संपू भाई जलती चिता में से बाहर आ गया। भाई साहब एक नॉर्मल आदमी होता है तो वो जिम में जाकर के बॉडी बनाता है, पर अपना संपू भाई ट्रेन की पटरियों पर उंगली रख करके फिजिकल ट्रेनिंग करता है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और उस लाल वाले बन के साथ फिजिकल ट्रेनिंग करो। मुझे नहीं पता क्या करोगे बट लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। और हाँ मैं मानता हूँ कि यार वीडियो में लेट हो गई है, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में कम से कम एक वीडियो जरूर आ जाए।